बातें किताबी में आज हमारे साथ हैं बलेंदु द्विवेदी जी। बातें किताबी में आपका बहुत स्वागत है। बलेंदु जी साहित्य की दुनिया में स्थापित नाम है और मूलतः उत्तर प्रदेश के बलेंदु जी का जो उपन्यास है मदारीपुर जंक्शन, वो भारतीय ग्रामीण समाज में लोकतंत्र की जड़ों की पड़ताल करता है। आपके पसंदीदा लेखक कौन कौन है? इकलौते लेखक की बात करें तो केवल प्रेम प्रेमचंद वो लेखक है जिनको पढ़ने के बाद ये एहसास होता है लिखना कोई बहुत श्रम साध्य या ईश्वरीय कृपा से होने वाला कोई काम नहीं है, बल्कि इसको करके सीखा जा सकता है। ये आत्मविश्वास प्रेमचंद जगाते हैं। काशीनाथ सिंह के लेखन को बहुत पसंद करता हूँ, दूधनाथ सिंह को बहुत पसंद करता हूँ, लाल शुक्ल को बहुत पसंद करता हूँ, मैं हरशंकर परसाई को बहुत पसंद करता हूँ। आपके जो लेखन की प्रेरणा है असल जीवन के यथार्थ और कटु अनुभवों पर आधारित है। लेखक या कवि या कोई भी साहित्यकार अपने समय के दबाव से पैदा होता है। जो अपेक्षाएं हैं, जो भावनाएं हैं, जो विद्रूपताएं हैं, उसे भी मैं इस बहाने से रोज कहीं ना कहीं अपने रोजमर्रा के जीवन में आसपास देखता हूँ। एज अ लेखक बलेंदु द्विवेदी किस प्रकार से अपने किरदारों का निर्माण करते हैं? बिना यथार्थ के कल्पना भी संभव है। चरित्र जितना यथार्थ के करीब होता है उतना ही ज्यादा पाठक उससे अपने को रिलेट कर पाता है। सोशल मीडिया के नए प्लेटफॉर्म्स पर जो पारंपरिक लेखन है, आरोप लगते रहते हैं कि ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। सोशल मीडिया अपने आप में कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के कई तरह के प्रयोग सामने आए। अच्छी रचनाओं को सामने लाने में भी सोशल मीडिया का योगदान है और खराब रचनाओं को भी अति प्रचारित करके अति प्रसिद्ध बनाकर पॉपुलर बनाने का श्रेय भी सोशल मीडिया का। नमस्कार, मैं हूं विनीता। बातें किताबी में आज हमारे साथ हैं बलेंदु द्विवेदी जी। बलेंदु जी बातें किताबी में आपका बहुत स्वागत है। अवसर देने के बलेंदु जी की जी बलेंदु जी साहित्य की दुनिया में स्थापित नाम है और मूलतः उत्तर प्रदेश के बलेंदु जी का जो उपन्यास है मदारीपुर जंक्शन, वो भारतीय ग्रामीण समाज में लोकतंत्र की जड़ों की पड़ताल करता है। आपकी जो पुस्तक है वाया फुर्सतगंज, वो दरअसल आजाद देश में विकसित हो रहे राजनीतिक चरित्र के दोगलेपन की कथा है। और अगर कहें तो राजनीतिक चरित्र अपने आप में ही दोगलापन जो है वहां सर्वव्यापी है। बिल्कुल जी। तो पहला सवाल, मैंने एक इंटरव्यू में आपके पढ़ा था कहीं पर कि आपके जो लेखन की प्रेरणा है वो असल जीवन के यथार्थ और कटु अनुभवों पर आधारित है, तो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए कैसे? देखिए, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि लेखक या कवि या कोई भी साहित्यकार अपने समय के दबाव से पैदा होता है। कोई भी शौकिया लिखने नहीं आता या हाथ नहीं आजमाता, और किसी के लेखन में जितना ही समाज जितना होता है, लेखन अधिक ज्यादा ग्राह्य होता है पाठकों के बीच। तो मेरे साथ एक मेरा समाज जो हमेशा चलता है, मैं नौकरी में हूँ, सरकारी नौकरी में हूँ, तो एक सिस्टम के प्रति जो आम जनमानस में जो एक आक्रोश है, उस आक्रोश को मैं रोजमर्रा की जिंदगी में देखता हूँ, कहीं ना कहीं इसको कम करने की कोशिश करता हूँ। और इसके साथ ही साथ जो अपेक्षाएं हैं, जो भावनाएं हैं, जो विद्रूपताएं हैं, उसे भी मैं इस बहाने से रोज कहीं ना कहीं अपने रोजमर्रा के जीवन में आसपास देखता हूँ। तो वो जो आक्रोश है, जो आम जीवन का आक्रोश है, आम आदमी का जो आक्रोश है, वो कहीं ना कहीं मेरे अभिव्यक्ति में स्वर पाता है और वो बहुत कुछ सामाजिक यथार्थ लिए हुए है। तमाम जो मनोवैज्ञानिक किस्म के यथार्थ पर आधारित जो उपन्यास या कविताएं लिखी जाती हैं, उनसे थोड़ा सा उसका दायरा अलग है और उसमें समाज केंद्र में। तो एक आपने व्यंग की जो विधा इसमें पकड़ी है वो बहुत बड़ा और करारा प्रहार एक्चुअली करती है, और व्यंग लेकिन कम लोगों की समझ में आता है ऐसा मुझे लगता है। आपका इसमें क्या एक्सपीरियंस है? अब देखिए, मुझे तो लगता है कि दो बातें आपने कही कि व्यंग को मैंने पकड़ा है, तो मैं इसकी उल्टी बात कहूंगा कि मैंने व्यंग को नहीं पकड़ा, व्यंग ने मुझे पकड़ा है। विधाएं लेखक का चुनाव करती हैं, लेखक विधाओं में को चुनने में उतना स्वतंत्र नहीं है। अगर ऐसा होता कि लेखक चुनता विधा को, तो
ना, जब मैं चाहता कविता लिख लेता, जब मैं चाहता नाटक लिख लेता, जब मैं चाहता संस्मरण या निबंध लिख लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में जो विभिन्न घटक काम करते हैं लंबे समय तक, उसके जन्म से लेकर बचपन और किशोरावस्था और युवावस्था और बाद की अवधियों में भी, वो घटक जो है कहीं ना कहीं उसके जीवन में उस तरीके का रस घोलते हैं जो सहज ही उसका व्यक्तित्व बाहर से उन चीजों को ग्रहण करता है, ग्रहण और करता है जैसा वो ग्रहण करता है वैसा ही वो उसकी लेखनी से निकलता है। दूसरा सवाल आपने किया कि लोगों की समझ में कम आता है, इससे भी मैं सहमत नहीं हूं। मुझे मुझे तो लगता है कि व्यंग सबसे ज्यादा समझ में आने वाली चीज, और ये व्यंग जो हिंदी साहित्य में चल रहा है ये आज से नहीं शुरू हुआ है। आप कबीर दास को देखें, 1000 साल पहले लिख रहे, 15वीं शताब्दी में लिख रहे थे, उनके जी। पहले गोरखनाथ लिख रहे थे। व्यंग लिखा हमेशा से जा रहा है और व्यंग लिखने वाले भी एक से एक हुए हैं। मेरा कहना यह कि आज की तारीख में ऑफेंड होने का जो लोगों का ना बहुत तेजी से, आप व्यंग में कोई बात कहते हैं वो कहीं से कहीं और लेके चले जाते हैं। तो व्यंग की जो समझ है जो पहले थी और जो अभी है उसमें बहुत अंतर आ गया है कि छोटी बात आप व्यंग में कहते हैं पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर्ट हो जाता है और वो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं अलग किस्म की। बेसिकली क्या है, अब जो पाठकों की समझ है ना वो ज्यादा लोकतांत्रिक हो गई है। अब आप स्वतंत्र हैं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है किसी बात को की व्याख्या अपने तरीके से करने के लिए, और बिल्कुल उस पर कोई रोक भी नहीं है। तो इस ऐसे में क्या होता है कि बात आप कहते हैं एक ही दिशा में, लेकिन उसके अर्थ बहुतेरे निकाले जाते हैं, और जिसकी बिल्कुल जैसी सोच होती है या जो जिस विचारधारा से प्रेरित प्रभावित होता है वो उसी ढंग से उसका अर्थ निकालता है। लेकिन इससे कहीं व्यंग का महत्व स्खलित नहीं होता, या ऐसा नहीं लगता कि व्यंग जो है कोई दुर्लभ चीज है जिसको समझना कठिन है, बल्कि व्यंग के आधुनिक परिवेश में व्यंग को नए नए ढंग से परिभाषित किए जाने लगे हैं, जिसके कारण ये नया संकट पैदा हुआ जिसकी ओर आप इशारा कर रहे नया संकट, ट्रोलिंग का संकट हैं। है। हाँ अच्छा, जो किरदार होते हैं किताब के, जो किरदार होते हैं उनको विकसित करने की सबके अपनी एक तरीका होता है सबका। कुछ लोग हकीकत में से लेते हैं, कुछ कल्पना से लेते हैं पूरी तरह से, कुछ जिनसे प्रभावित होते हैं वहां पर से लेते हैं। तो एज अ लेखक बलेंदु द्विवेदी किस प्रकार से अपने किरदारों का निर्माण करते हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि बिना यथार्थ के कल्पना भी संभव नहीं। ऐसी कोई कल्पना करिए जिसमें यथार्थ का रत्ती भर भी फूटना हो। ये जरूर है कि जब हम कोई चरित्र गढ़ते हैं तो वो चरित्र जितना यथार्थ के करीब होता है उतना ही ज्यादा पाठक उससे अपने को रिलेट कर पाता है। कई बार वो हम उस चरित्र का सामना स्वयं कर रहे होते हैं, कई बार उस चरित्र का सामना सुनी सुनाई घटनाओं से होता है, कई बार जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उनके बातचीत में वो चीजें निकल कर आती हैं। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूंगा कि कोई एक चरित्र जो उपन्यास में आता है वो अकेले एक चरित्र समाज में देखें तो नहीं मिलेगा, वो मतलब वो विभिन्न एक व्यक्ति पे चरित्रों आधारित नहीं होता है, वो का। कई जी व्यक्तियों जी का मिश्रण ऐसा होता नहीं है, कि कई हमने चीजों का सीधे मिश्रण होता फिल्मों है। की तरह एक कोई करेक्टर उठा लिया और उसको ड्राइव कर दिया, ढेर सारे करेक्टर मिलके एक करेक्टर बनते हैं, और वो फिर कोशिश ये रहती है, मुझे मुझे इस काम में बहुत आनंद आता है, कोशिश ये रहती है कि चरित्र इतना आकर्षक हो कि वो यथार्थ का दामन भी ना छोड़े और कल्पना के बहाने उसको इतना उसका इतना रंग रोगन कर दिया जाए कि वो अपने मूल रूप में भी ना दिखे, ताकि कोई इस बात का आरोप ना लगा सके कि ये तो फला करेक्टर से मिलता जुलता है या इसका मैंने ऐसे सुना है। वो ये जरूर महसूस कर सके कि हाँ ये करेक्टर रियल में होते हैं, मैंने भी देखा है, मैंने भी सुना है, लेकिन किसी एक करेक्टर से रिलेट ना करे, मतलब पहचान लोगों की छुपी रहे, उसमें कोई समस्या ना हो, लोगों की ये पहचान गोपनीयता छुपी रहे बरकरार। और आपकी आप भी आपको भी लगे कि आपने कोई ओरिजिनल करेक्टर क्रिएट किया है। हालांकि कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, मैं तो इस बात को दावे के साथ कहता हूँ, ओरिजिनल का मतलब हुआ कि जिसको आपने क्रिएट किया, जो आपके पहले कभी क्रिएट नहीं किया गया। तो क्या ऐसा कोई करेक्टर हो सकता है जिसको आपने क्रिएट किया हो और कोई पहले देखा सुना ना गया हो? होता है, ऐसा वो संभव नहीं है, करेक्टर्स हमारे आसपास से ही होते हैं। होते हैं
वो करेक्टर्स हमारे आसपास ही होते हैं, हमारे कहने का जो सलीका है, जो तरीका है, जो संप्रेषण की जो शैली है, जो उसकी बुनावट है, जो उसका विस्तार है, वो अलग अलग तरीके का सबका होता है। और ये हर लेखक की अपनी निजी विशेषता होती है, स्टाइल इज द मैन इटसेल्फ, तो हर रचनाकार उसको अपने तरीके से बुनता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये ऐसा है, अभी मैं जितने भी लेखकों से बात कर रही हूँ तो ज्यादा करके यही होता है कि आसपास से ही जो भी लेखक हैं, जो अच्छा लिख रहा है जिन्होंने, और जिन्होंने क्लासिक्स लिखे हैं, उनका भी यही मानना है कि बहुत पुरानी घटनाओं से, जो उनके परिचित थे, जानने वाले थे, दूर के दोस्त थे, कभी ट्रेन में मिले थे, कोई किरदार पढ़ा था, इन चीजों से बिल्कुल मिलकर कोई बात दिमाग में रह गई थी, वैसे ही कैरेक्टर्स बनते हैं। अच्छा, एक चीज बिल्कुल आजकल और बिल्कुल है, मोटे तौर पे ये बात मान ली गई है कि इन दिनों हिंदी में बहुत अच्छा कुछ लिखा नहीं जा रहा है। हालांकि जो नए दौर के जो लेखक हैं, और जो एक नई वाली हिंदी का भी नाम चलता है, कई तरह के प्रयोग हो रहे हैं, पर साहित्यिक जो एक सोच है, वो उस सोच के लेखक इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर मुकम्मल तौर पर देखें तो किसी भी दौर में शत प्रतिशत साहित्य कभी भी अच्छा नहीं रहा है। पहले और आज के दौर में अंतर यह है कि पहले बहुत कम लोग लिखते थे और उनमें भी बहुत कम लोग छपते थे। निराला जैसे लोगों की कविताएं लौटा दी जाती थी। आप मानक समझिए जो अस्तर पत्रिकाओं का और प्रकाशकों का होता था। और आज के दौर में कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो छपना चाहे और ना छप रहा हो। वो अगर मतलब किताब के रूप में नहीं छपेगा तो ई बुक के रूप में छपेगा, वो किसी सोशल मीडिया पर प्रकाशित कर लेगा अपने को। तो अब क्या है कि हर कोई छपने लगा है और उसमें एक अंबार खड़ा हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि गिरावट आई है, लेकिन ये गिरावट लेखन की ही नहीं है, ये गिरावट है बहुत ज्यादा छपने के कारण। जो बहुत कम जो अच्छा लिखा जा रहा है वो उसको वो आच्छादित कर ले रहा है, जैसे मेघ सूर्य को आच्छादित कर लेता है, वैसे ही खराब किस्म की किताबें रचनाएं अच्छी रचनाओं को आच्छादित कर लेती हैं। जैसे खोटा सिक्का अच्छे सिक्कों को चलन से बाहर कर देता है, वैसे खराब जी किस्म की किताबें अच्छी किताबों को चलन से बाहर करने की कोशिश करती हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं, मैं मानता साहित्य आज भी अच्छा लिखा जा रहा है। हाँ, अब वर्गीकरण हो गया। जैसे किसी जमाने में जो जिसे हम घासलेटी साहित्य कहते थे, आज उसके नए कई संस्करण आ गए हैं और कई नए प्रयोग भी चल रहे हैं, जिसमें नई वाली हिंदी भी है। पाठकों का एक अलग वर्ग है, जैसे ऐसा नहीं है कि जो विशुद्ध साहित्यिक पाठक हैं वो नई वाली हिंदी को पढ़ना पसंद करेंगे। इसी तरीके से नई वाली हिंदी के जो पाठक हैं वो विशुद्ध साहित्य को पढ़ना पसंद नहीं करते। दोनों की ट्रेनिंग, दोनों की शिक्षा दीक्षा अलग किस्म की हुई है, दोनों अलग अलग पीढ़ियों को का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसी दशा में अगर हम कोई एक मानक बनाने चलेंगे कि साहब ये तो साहित्य है और ये गैर साहित्यिक है, ये पठनीय है ये अपठनीय है, ये अच्छा है ये बुरा है, तो हम हमेशा फेल करेंगे। मेरा ये मानना है कि जो भी नया है, जो भी नया आ रहा है, उसका स्वागत होना चाहिए। वो अच्छा है या बुरा है ये आने वाला समय तय करेगा, न कि अभी उसको साहित्य के दायरे में रखा जाए या साहित्य के दायरे से बाहर किया जाए, इसको तलवार के बल पर तय किया जाना चाहिए। जी, अच्छा, जैसे सोशल मीडिया के नए प्लेटफॉर्म्स पर जो पारंपरिक लेखन है, उसका सोशल मीडिया से क्या असर पड़ा है? आरोप लगते रहते हैं कि ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको भी लगता है कि गंभीर लेखन के लिए या ज्यादा पाठकों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो सकता है, या ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता है? देखिए, सोशल मीडिया अपने आप में कोई खराब बात चीज नहीं है। जी जैसे मनुष्य ने चाकू का जब आविष्कार किया होगा तो निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल इस रूप में किया जाना तय हुआ होगा कि हम इससे सब्जियां काटेंगे, हम इससे और लकड़ियां काटेंगे या और भी कुछ चीजें खूबसूरत बनाएंगे। लेकिन बाद में उसका दुरुपयोग होना भी शुरू हुआ, उससे उंगली भी कटी, उससे लोगों की हत्याएं भी हुई। तो सोशल मीडिया अपने आप में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम खराब कर सकें, लेकिन सोशल मीडिया के कई तरह के प्रयोग सामने आए। अच्छी रचनाओं के
को सामने लाने में भी सोशल मीडिया का योगदान है, और खराब रचनाओं को भी अति प्रचारित करके अति प्रसिद्ध बनाकर पॉपुलर बनाने का श्रेय भी सोशल मीडिया का। लेकिन इसमें हम सोशल मीडिया को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? इसके लिए जो 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 इसके पीछे भागते हैं और जो इसका इस रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनको हम निश्चित रूप से इसके लिए उत्तरदायी ठहराना चाहेंगे। जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है, सोशल मीडिया में अगर अच्छा साहित्य, अगर खराब किस्म का साहित्य प्रचारित हो रहा है, अच्छे किस्म का साहित्य भी आ रहा है। और मदारीपुर जंक्शन मेरी पहली रचना थी और मुझे कोई नहीं जानता था, मेरे पास कोई प्रकाशक नहीं था। मेरे छपने के पहले, मेरी उस किताब के छपने के पहले ही मेरे पास ढेर सारे चाहने वाले हो गए थे, और उसमें निश्चित रूप से सोशल मीडिया का ही योगदान था। लेकिन अगर किताब में ताकत ना हो तो केवल सोशल मीडिया के बल पर कोई लेखक या कोई कृति अस्थायी महत्व प्राप्त नहीं कर सकता, ये मेरा मानना है। नहीं, ये सत्य भी है और ये सही भी है। तो यानी कंटेंट इज द किंग के ऊपर आप पूरी तरह से बिल्कुल टिक रहे हैं। अच्छा, जिस समय जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं उसमें बहुत तरह तरह की चुनौतियां हैं, और लेखन के जरिए क्या हस्तक्षेप इसमें किया जा सकता है, क्या बदलाव किए जा सकते हैं? देखिए, मुझे एक एवतुशुनको, एक रूसी साहित्यकार है, उसकी एक बात याद आती है। वो कहता था कि साहित्यकार हमेशा समानांतर सरकार की तरह काम करता है, बशर्ते कि साहित्यकार अपनी उस ताकत को समझे। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो शीर्ष में बैठे हुए लोग, जो ताकतवर लोग हैं, सत्ता से मेरा मतलब है कि जो शोषक वर्ग है, जिसको अगर आप मार्क्सवादी शब्दावली में कहें, उनको आईना दिखाना, उनको अपनी ताकत का एहसास कराना, ये केवल और केवल साहित्य करता है। और किसी देश का साहित्य सत्ता के विपक्ष में जितना मजबूती से खड़ा होता है, उस देश का साहित्य उतना ही ज्यादा दीर्घकालिक, दीर्घजीवी और श्लाघनीय होता है। आप देख लें, हम लोगों ने हिंदी में देखा है, दरबारी कविताएं भी हुई, पूरा का पूरा रीत काल जो है वो एक तरीके का दरबारी साहित्य है, और आज भी उस साहित्य के कितने हिस्से को हम लोग गंभीरता से लेते हैं। केवल उसका जो अलंकार वाला क्षेत्र है, जो क्षणिक वाहवाही के लिए तत्समय रचा गया होगा, उसको छोड़ दें तो आज भी उसका जो तथ्य है या उसका जो वर्ण विषय है, उस पर लेकर हम कभी उसकी तारीफ नहीं करते। तो साहित्य जितना ही आप अपने को ताकतवर बनाएगा और समाज की खामियों को जितना ही उजागर करेगा, उतना ही साहित्य ताकतवर होगा। चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि दौर जो है बहुत कुछ डिजिटलाइज हो गया, तो जो चरित्र है सत्ता का वो भी बहुत कुछ डिजिटलाइज है। साहित्य अभी उस गति से डिजिटलाइज नहीं हुआ है, डिजिटल संस्करण आने से हम नहीं कह सकते। जैसे चुनौतियां भी बहुत ज्यादा सूक्ष्मकृत हो चुकी हैं। अब चुनौतियां, पहले चुनौतियां दिखाई देती थी, ये हमारा दुश्मन है, अब दुश्मन दिखाई नहीं देता। तो साहित्य को अपने उस दुश्मन को पहचानना है, और ये इसलिए इस मायने में मैं मानता हूं कि साहित्य की, साहित्यकार की जिम्मेदारी बढ़ी है, उसकी भूमिका बढ़ी है, उसे अपनी इस भूमिका को पहचानना होगा। और जो नई चुनौतियां हैं, जो ऐसी चुनौतियां हैं, जो ऐसे दुश्मन हैं, जो ऐसे शत्रु जो अब दिखाई नहीं देते, उनको पहचानना होगा और फिर प्रहार करना होगा, तभी आज का जो साहित्य है वो अपने अस्तित्व को बचाए रख पाएगा। दुश्मन पहचानने की कला, अब ये एक चीज और है जो लेखकों को सीखने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है कि जो किताब होती है उसकी सफलता में प्रकाशन के सहयोग की आपको लगता है कितनी आवश्यकता होती है? क्योंकि हम जो लेखकों से जो आ रहे हैं, लेखक जो नए लेखक हैं, उनसे ये चीज हम बहुत सुनते हैं कि प्रकाशक मिलना पहली चीज बहुत कठिन, मिल गया तो अच्छा प्रकाशक मिलना बहुत कठिन कहा जाए बल्कि, और वो अगर मिल गया जो कि स्थापित भी है और अच्छा भी है, फिर उसके बाद में जो किताब की मार्केटिंग है, लोगों तक पहुंचना है, उसमें उतना सहयोग नहीं मिलता है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बात अगर आज के 30 साल 40 साल पहले का कोई लेखक कहता तो ये उस बात को माना जा सकता है, क्योंकि तब केवल और केवल
प्रकाशक ही वो माध्यम था जिसके बहाने से हम अपनी बात कह सकते थे, मार्केट में अपने को स्थापित कर सकते। लेकिन अब इतने माध्यम आ गए हैं कि वहां प्रकाशन और प्रकाशक की भूमिका गौण हो गई है। बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन आप देखें कि वो हम नहीं जानते कि वो किनके यहाँ से छपते हैं, लेकिन उनको जानने वाले, उनको पढ़ने वाले, उनको सराहने वाले देश के कोने कोने में मिलेंगे, बल्कि दुनिया के कोने कोने में मिलेंगे। तो भूमिका अब प्रकाशक की गौण हुई है। और मैं ये कहता हूं कि प्रकाशक की भूमिका चाहे जितनी भी बलवती क्यों ना हो, लेखन में ताकत नहीं है तो कोई भी प्रकाशक किसी लेखक को स्थापित नहीं कर सकता, उसे अस्थाई महत्व नहीं दिला सकता। इसलिए जो इस बात का रोना रोते हैं कि आप बड़ा लेखक होना चाहिए या सॉरी बड़ा प्रकाशक होना चाहिए, उनको हाँ। पहले ये अपने गिरेबान में झांक लेने की आवश्यकता है कि क्या उनके लेखन में वो ताकत है कि कभी किसी बड़े प्रकाशक यहाँ से छपेंगे तो वो काल कवलित नहीं होंगे और अस्थाई महत्व उन्हें प्राप्त होगा या नहीं। बिल्कुल सही। तो इसका लेखक लेखन से, और अच्छा अगर लेखन है तो उसका प्रकाशक से बिल्कुल, कोई मतलब नहीं है। आप कहाँ से छप रहे हैं इससे बहुत आप फर्क ये नहीं देखें पड़ता है। जी जी, जैसे प्रेमचंद के जमाने में, मैं जी प्रेमचंद से ज्यादा तो कोई हिंदुस्तान में पढ़ा नहीं जाता है, मेरे ख्याल से दुनिया में नहीं पढ़ा जाता है, न जाने कितनी भाषाओं में उनकी रचनाओं के अनुवाद हुए। तो अगर प्रेम, और उस जमाने में कोई मंच नहीं था, कोई इतना बड़ा मार्केट नहीं था, तो आखिर प्रेमचंद इतने कैसे पॉपुलर हुए? प्रेमचंद आज भी इतने चाव से इतनी इतने उसके साथ क्यों पढ़े जाते हैं? क्यों? क्योंकि प्रेमचंद ने जो लिखा वो केवल अपने समय का इतिहास नहीं लिखा, वो आने वाले 100 वर्षों का भी इतिहास लिख रहे थे। इसलिए उनके कहानियों में, उनके उपन्यासों में जो सत्य वर्णित है वो 1930 के 1940 के दशक का ही नहीं है, वो 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक तीसरे दशक की ही कहानी का है। तो आपके दृष्टि में जितनी व्यापकता होगी, आपके दृष्टि में जितनी गहराई होगी, और कहने में, कहने के तरीके में जितनी सरलता होगी, आप उतने ही स्थापित लेखक माने जाएंगे। माने जाएंगे। नहीं, अभी हमने हाल ही में देखा, जो हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, कि ऐसे भी लोग हैं जो नए लेखक हैं, नए लेखक ही कहूंगी, जिनकी एक दो किताबें आई हैं, वो नए नए लेखकों में गिने जाएंगे, और वो बिल्कुल प्रेमचंद को भी खारिज करने की पूरी तन्मयता से उन्हें खारिज करते हैं कि वो किसी भी लायक नहीं थे, या उस समय अगर लोग होते लिखने वाले तो शायद आज वो पढ़े नहीं जाते। तो ये भी है कि अपना अपना सबका दम्भ है, अपनी अपनी एक सोच है, और उसी के विषय में और उसी की वजह से शायद आगे बढ़ने में इतनी कठिनाई आ रही है, या इतना क्या कहना चाहिए, जैसा आप अभी कह रहे बिल्कुल थे कोई इतना रोना रोए वो चल रहा है। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछनी थी, आप क्योंकि बहुत सारा लिखते हैं तो यकीनन आप बहुत सारा पढ़ते हैं, अभी आपने एक रूसी लेखक का भी दिया यहाँ पे रेफरेंस, आपके पसंदीदा लेखक कौन कौन है? देखिए, अगर इकलौते लेखक की बात करें तो केवल प्रेमचंद। अच्छा। प्रेमचंद वो लेखक हैं जिनको पढ़ने के बाद ये एहसास होता है कि लिखना कोई बहुत श्रम साध्य या ईश्वरीय कृपा से होने वाला कोई काम नहीं है, बल्कि इसको करके सीखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ये आत्मविश्वास प्रेमचंद जगाते हैं। जैसे आप देखें, तुलसीदास लिख रहे थे, लेकिन तुलसीदास ने अवधि को जो ऊंचाई दी, उसके बाद ये उनको पढ़ के ये लगता है कि साहब इनसे अच्छा तो लिखा ही नहीं जा सकता। तो बहुत सारे लेखक उनको पढ़ के हार जाएंगे, बहुत सारे कवि उनको पढ़कर अपना आत्मविश्वास जाग देंगे कि साहब जब उनसे अच्छा नहीं लिखा जा सकता, लेखन का ये स्तर है। मैं तथ्य की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जो बाकी कला के जो काव्य के दूसरे तत्व हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। प्रेमचंद हमें ये आजादी देते हैं, सोचने की आजादी देते हैं कि सायास कोशिश कर भी लेखक बना जा सकता है, बना जा सकता। और इसके अलावा भी मैं 2-3 लोगों को बहुत पसंद करता हूँ। मैं काशीनाथ सिंह के लेखन को बहुत पसंद करता हूँ, मैं दूधनाथ सिंह को बहुत पसंद करता हूँ, मैं श्रीलाल शुक्ल को बहुत पसंद करता हूँ, मैं हरशंकर परसाई को बहुत पसंद करता हूँ।
ये मेरे चार मैं पांच ये कुल नाम मिले सुनना रहते हैं चाह रही लेकिन। थी कि कैसे इतनी देर हो गई अभी तक परसाई जी का नाम नहीं आया। हाँ नहीं, परसाई जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, और प्रेमचंद के बाद अगर किसी को पसंद करता हूँ तो परसाई को पसंद करता हूँ, और सबसे ज्यादा दिल से अगर मैं किसी को चाहता हूँ तो बाबा कबीर को चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं उनके उनका जो तेवर है, उनका उनके आक्रमण की जो शैली है, उनका जो अंदाज है, बेलौस बेखौफ निर्मम अभिव्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं से प्रेरणा के रूप में मुझे एक तत्व के रूप में मिलती है, और वो मुझे बड़ा संबल प्रदान करती है। बहुत ही बढ़िया। तो नए लेखकों के लिए कोई एक आपकी तरफ से, जो लोग लेखन करना चाहते हैं और बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से एक सलाह, एक मशवरा। देखिए, लेखन न केवल लिखने से कोई लेखक बन सकता है, न केवल पढ़ने से बन सकता है। सबसे जरूरी चीज है अध्ययन, क्या लिखा गया है ये जानना जरूरी, हमारी परंपरा में क्या हमें मिला है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हमें अपने दिशा का ज्ञान नहीं होगा, अपनी दशा का ज्ञान नहीं होगा, और जब तक हम अपनी दशा और दिशा नहीं जानेंगे तब तक हम लिखेंगे क्या, बिना जमीन के हम क्या लिखेंगे। तो सबसे जरूरी है परंपरा का ज्ञान और व्यापक अध्ययन, जो आज के लेखकों में कम दिखाई देता है। छपास का रोग है, इसलिए जो है आदमी तुरंत छपना चाहता है, तुरंत चाहता है दो चार से किताबें आ जाएं और वाह वाह ही पॉपुलर लेखक और बेस्ट सेलर टाइप का कुछ मामला हो जाए। बाकी तो हम देख लेंगे, प्रेमचंद को भी गाली दे लेंगे, परसाई जी को भी दे लेंगे। तो सबसे जरूरी बात है कि आपके पास अध्ययन होना चाहिए। दूसरी चीज, चीजों के विश्लेषण की सूक्ष्म शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत पढ़ते हैं, उनके पास बहुत समझ होती है, लेकिन वो कवि या लेखक नहीं होते। जिसके पास जो अपने आसपास का जो जो समाज है, जो दुनिया है, जो पर्यावरण है, जो प्रकृति है, उसको एनालाइज करने की क्षमता होनी चाहिए। आपने कहा कि आप बहुत पढ़ते हैं, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूं कि मैं बहुत कम पढ़ता हूँ। निराला ने कहा था कि पढ़ने की जरूरत क्या है, हमारे आसपास इतना कुछ बिखरा हुआ है, अगर हम केवल उसको ही रोज देखें, रोज उसको एनालाइज करें, तो हम कवि या लेखक हो सकते हैं। तो तो वही चीज है, ऑब्जर्वेशन, या तो वो एक जो ऑब्जर्वेशन तत्व बहुत है, अच्छा हो, या तो अध्ययन हो, जी या तो ऑब्जर्वेशन हो, तभी आप लिख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, तो जब ये दोनों चीजें होंगी, तीसरी चीज होती है आपके पास एक्सप्रेशन होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास अध्ययन भी है, ऑब्जर्वेशन भी है, एक्सप्रेशन नहीं है, और ये तीनों चीजें समय की मांग करती हैं। आपको एक दिन में न तो आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, न तो एक दिन में आप ऑब्जर्वेशन का पावर आ जाएगा आपके पास, और न तो एक दिन में आपको एक्सप्रेशन। ये रियाज है, एक लंबे रियाज की प्रक्रिया है। तो जो भी नए लोग लिख रहे हैं, लिखना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, उनसे मैं इतना ही कहूंगा कि अध्ययन, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि और अभिव्यक्ति के कौशल का विकास, ये तीन बातें हो अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आप भविष्य में अच्छा कर सकते हैं। वाह, बहुत बहुत बढ़िया, आपने आज सलाह दी उन लोगों के लिए जो लिखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि ये चीजों की कमी होती है। जब एज अ टीचर, जब मैं बताती हूँ लोगों को कि ऑब्जर्वेशन, हम लोग रिपोर्टिंग में बोलते हैं ऑब्जर्वेशन जरूरी है, बोलो नहीं, सुनो ज्यादा, समझो बिल्कुल ज्यादा, देखकर सीखो ज्यादा, तो वो समझ में नहीं आता है। जब हाँ जाने लगते हैं बच्चे फील्ड में, तो उनको समझ में आना शुरू होता है कि करना क्या है। लेखन के साथ वही चीज है कि आप ऑब्जर्व नहीं कीजिएगा, आप इमोशंस को नहीं निश्चित पकड़िएगा, तो फिर नहीं हो पाएगा। बहुत ही अच्छी सलाह रूप आपने दी, तो अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, अपना वक्त मुझे भी देने के लिए बहुत बहुत मजा आया। थैंक शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच हमारे यू साथ थैंक इस यू मंच पे थैंक यू, जुड़ने के नमस्ते लिए, नमस्ते, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।